गुजरात के दाहोद में शनिवार को प्रशासन ने एक सदी भर पुरानी मस्जिद सहित 8 धार्मिक स्थलों को ढाया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के दाहोद स्मार्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच नगीना मस्जिद को सुबह 4:30 बजे के आसपास ढहाना शुरू किया गया। इस मस्जिद को स्मार्ट सिटी के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत गिराया गया है। अधिकारियों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि मस्जिद का ट्रस्ट शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट में ज़मीन से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सका था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। मस्जिद को ढहाने के कुछ घंटों बाद 4 मंदिर और 3 अन्य दरगाह भी ढा दिए गए। 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब 450 पुलिसकर्मियों को सुबह 4:30 बजे की कार्रवाई के लिए तैनात किया गया था। अधिकारियों ने अखबार को बताया मस्जिद को ढहाने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। दाहोद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP बलराम मीणा ने अखबार को बताया ट्रस्ट ने खुद ही जमीन संबंधी रिकॉर्ड पेश करने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा था। प्रशासन ने ये निवेदन मान लिया था, लेकिन शुक्रवार को जो रिकॉर्ड पेश किए गए वो भरोसा करने लायक नहीं थे। बलराम मीणा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लागू करने वाली जिला स्तरीय समिति के भी सदस्य हैं। उन्होंने कहा शुक्रवार शाम मस्जिद के सदस्यों की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM, नगर निगम के चीफ ऑफिसर और प्रांत अधिकारी के साथ बैठक हुई। इस बैठक में ट्रस्ट के सदस्य इस शर्त पर मस्जिद परिसर खाली करने को राजी हुए कि इसे ढहाने का काम भी उन्हें ही करने दिया जाए। हमें परिसर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने पहले ही इसे खाली कर दिया था। पुलिस की तैनाती अभी रहेगी, लेकिन हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। गुजरात हाईकोर्ट के सामने अपनी याचिका में ट्रस्ट ने कहा था कि कथित अतिक्रमण को लेकर आसपास की दुकानों को गुजरात नगरपालिका अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए गए और इन्हें 15 मई को ध्वस्त कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि प्रशासन उन अन्य दुकानों को भी बिना किसी नोटिस गिरा रही है, जिस पर याचिका दायर करने वाले ट्रस्ट का मालिकाना हक है। मस्जिद कमेटी के एक सदस्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया हमें प्रशासन ने सोमवार को इस बारे में सूचना दी थी कि शुक्रवार तक दस्तावेज पेश करने होंगे, नहीं तो जुमे की नमाज के बाद मस्जिद को ढा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने भी हमें राहत नहीं दी, इसलिए शुक्रवार दोपहर को हमें अपना सामान यहां से ले जाने के लिए कहा गया। जब प्रशासन ने इसी सप्ताह 6 फीट के परिसर को ढाया था तभी हमने अपना ज़रूरी सामान हटा लिया था। मस्जिद ट्रस्ट के हवाले से खबर में बताया गया है कि यह मस्जिद 1926 से यहां मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।